शांति। सभी अंतर्मुखी फर्स्ट डिवीजन की अधिकारी क्रोध मुक्त आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। छोड़ पुरानी दुनिया को, हम आए हैं तेरे द्वार। छूट गई पुरानी दुनिया या कभी कभी लौट जाते हैं पुरानी गलियों में? छूट जाए तो बेहतर। क्यों? क्योंकि अब तो दिखाई देने वाली पूरी दुनिया का अंत निकट ही है, इसलिए हमें निर्विकारी दिव्य गुणधारी बनना ही है और ये मैसेज सबको सुनाना है, हमें भी समझना है। बाबा आज हमें सुख दुख का खेल और हमारे 84 जन्मों का हिसाब किताब समझाते हैं। माताओं की इतनी महिमा क्यों करते हैं बाबा, आज ये भी जानेंगे। सदा अचल अडोल भाग्यवान आत्मा बनने के लिए सुनते हैं 29 जून 2024 की बेहद बाप की समझाने। मीठे बच्चे, शरीर सहित जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाबा कहते हैं इन चर्म चक्षुओं से जो कुछ भी दिख रहा है, हमारा ये जो शरीर है इसके सहित सब कुछ जो दिखाई दे रहा है ये सब विनाश होना है, धूल धूसरित हो जाएगा सब कुछ। अब क्या है, नाटक पूरा हुआ, हम आत्माओं के घर लौटने का समय है। नई दुनिया में आना है ना वापस, इसके लिए पहले घर जाना है, लेकिन उससे पहले हमें पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसलिए ज्ञान चक्षु, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र, ये खुला रहे और बाकी चर्म चक्षु इनको बंद कर लेना है। प्रश्न, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाप का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर में बाबा कहते सभी को सुनाओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आया है। अब हद के वर्षे का समय पूरा हुआ अर्थात भक्ति पूरी हुई, अब रावण राज्य समाप्त होना है। बाप आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुणों वाला बनना है। पुरुषोत्तम संगम युग है, इस युग में हम आत्मा को उत्तम बना सकते हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ करना है, देवी गुणों वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। ये समझ लें कि ये कौन सा समय चल रहा है, कौन हमें मिला है, क्या समझा रहे हैं, क्या पुरुषार्थ करना है, इससे हमें क्या प्राप्ति होगी। यदि ये समय के महत्व को हम जान लें तो बाबा कहते हैं इससे भी यदि जिसने समझ लिया तो फिर वो श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ किए बिना रह नहीं सकता, तो स्थिति तो आप ही श्रेष्ठ बन जाएगी। तो सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लें तो स्थिति श्रेष्ठ बन सकती है। तो
कौन सा समय चल रहा है, कौन आया है, क्या दे रहा है, ये बात सबको बतानी है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद, दूसरी होती है व्यभिचारी याद। एक तो है कि सिर्फ बाबा को ही याद करें और एक है कि बहुतों को याद कर रहे हैं। तो अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान वही है, वह बाप भी है फिर शिक्षक भी है, पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं। कलाई कम होती गई ना, तो 84 जन्म लगे हैं। और मनुष्य से देवता बनने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है। हाँ, समझ में आ जाती है ना कि हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं, फिर पुरुषार्थ करते हैं तो 1 सेकंड लगता है मनुष्य से देवता बनने में। इसीलिए कहते हैं ना, मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार। तो यह तो बच्चे जानते हैं, हम बाप की याद में बैठे हैं, वह हमारा टीचर भी है सतगुरु भी है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वह खुद कहते हैं, हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। हाँ, छोड़ नहीं देना है, बुद्धि से छोड़ना है, निभाना तो है ना सब संबंध। तो बाबा कहते हैं कि हे आत्माओं, हे बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश लिए ही यह बारूद आदि बनाए हुए हैं। तो जितने भी बॉम्ब्स बने हैं और विनाश की सामग्री है, तो ये सब कोई शो पीस तो है नहीं, सब यूज होगा। तो देखो, बाबा कहते हैं नेचुरल कैलमिटीज भी मदद करती हैं। बाबा ने बताया ना, गृह युद्ध होगा भारत में, सिविल वॉर, और विदेशों में न्यूक्लियर वॉर, और नेचुरल कैलमिटीज तो सब जगह होंगी ही। तो बाबा कहते हैं विनाश तो होना है जरूर, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, यह आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है, यह सब विनाश हो जाना है, शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है, लौटने बगैर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है या देवताएं, सबसे ऊंचते ऊंचे निराकार बाप, फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें हैं ऊंच देवता, वह भी मनुष्य हैं परंतु दैवी गुणों वाले, फिर वही आसुरी गुणों वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े। किसको? कौन जाएंगे सतयुग में? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को। किसको जाना पड़े? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो। सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं, अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाबा ने कहा सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है, माना श्रीमत क्या है वही बताने हैं, मनमत नहीं मिक्स करनी है उसमें। तो बाबा कहते हैं ये बताओ कि बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं, अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है, 5 विकारों रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य हैं, सब दुख ही उठाते हैं, सूखी रोटी मिलती है। बाप आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना न सके। तुम यहाँ बैठे हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है कलयुग, बहुत धर्म हो गए हैं, देख रहे हैं ना कितने धर्म मठ पंथ हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे, तुमको यह पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। भगवान और भक्त, देखो इसमें कितनी दूरी है, लेकिन बाप और बच्चे का संबंध हो तो कितनी नजदीक है ना।
वो हमारे बाप हैं, टीचर हैं, हमको पढ़ाते हैं, सतगुरु हैं, वरदान देते हैं, साथ लेकर जाते हैं, तो ऐसे संबंध तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। तो उनको कहा जाता है सतगुरु, अकाल मूर्त भी कहा जाता है, तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है। आत्मा और शरीर है ना, वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं, वह जन्म नहीं लेते हैं। तो वह अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं, मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं, मुझे तो रथ चाहिए ना। अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए, अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं होता है, तुम हर एक को तख्त चाहिए, अपना अपना शरीर, अपनी कर्मेंद्रियां तो चाहिए ना। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है, वह सभी का बाप है, उनको कहा जाता है महाकाल, वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो, मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे, कलयुग और सतयुग के मध्य का युग, मिलन का युग। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है, यह पक्का याद करो, मुख्य है ही दो बातें, अल्फ और बे, बाप और बादशाही। दो शब्दों की ये कहानी है, अल्फ और बे, बाप और बादशाही, बाप और वर्षा। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान उवाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पाठ होना चाहिए, वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाप कहते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में याद न करता हो, दिल से ही सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर, जरूर बेहद का ही सुख देंगे, हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता नहीं। अब बाप आए हैं, कहते हैं, बच्चों और संग तोड़, मुझ एक बाप को याद करो, पहले सबसे तोड़ो, बाबा से जोड़ो और फिर सबसे तोड़ निभाओ। यह भी बाप ने बताया है, तुम देवी देवता नई दुनिया में रहते हो, वहां तो अपार सुख है, उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता है, नए मकान में सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। हैं? देखो शरीर भी पुराना, टूट फूट चलती रहती है। हाँ, जाते हैं, सिलाते हैं, इलाज कराते हैं, मकान में भी क्या है, रिपेयरिंग होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो बाबा कहते हैं, नए मकान में तो सदैव सुख होता है, पुराने में दुख होता है। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते हैं, बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में चला जाता है। यह तो हुई हद की बात, अभी तो बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो वह कब्रिस्तान होना है, अब परिस्तान स्थापन हो रहा है, अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है, तुम संगम युग पर हो। कब्रिस्तान, कब्र दाखिल आत्मा मना, अज्ञान के अंधकार में है, तो सब कब्र में ही है ना, और अभी बाबा परिस्थान स्थापन कर रहे हैं, स्वर्ग, जन्नत, परियों के रहने का स्थान। बाबा कहते हैं, तुम संगम युग पर हो, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो, सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। देखें आगे क्या है, पीछे क्या है। हाँ, छोड़ा है पीछे की दुनिया, आगे बढ़ना है ना। तो बाबा कहते हैं, अभी तो तुम कलयुग भी देख सकते हो, सतयुग भी देख सकते हो, तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो, संगम युग पर साक्षी होकर देखो, क्या कर लिया पहले, हो गया, तब अज्ञान था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद फिर वही कर्म अब नहीं करने हैं, विकर्म नहीं करने हैं, और जो कुछ भी हो रहा है आसपास सब कुछ साक्षी होकर देखना है। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहां भी तुम संगम पर खड़ा कर दो, इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम बीच में हैं, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, जहां पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई भी धर्म वाला नहीं आता है, सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो, अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो,
पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है कि हे बाबा, हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते कि शांति धाम में ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए ही सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं। कहते हैं ना, मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण से परे हो जाए, तो वह सुखधाम का ज्ञान दे नहीं सकते। वह है निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म कब कब आते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं, मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जर्जरीभूत हो जाता है, तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। बेनिन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है कोलकाता में। बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म खड़े हैं। भूल गए ना, आदि सनातन देवी देवता धर्म भूल गए, और बाकी देखो अभी सारे धर्म हैं। तो तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने आए हो। तुम बच्चे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो, इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर मिनिमम एक जन्म। हर एक आत्मा का मिनिमम एक जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म। मनुष्य फिर कह देते 84 लाख जन्म, वह भी किसके होंगे यह भी समझ नहीं सकते। लख 84 की बात थी ना, कि लख माना सिंधी में कहते हैं देखो जानो अपने 84 जन्मों को, तो उसको 84 लाख समझ लिया। तो बाबा कहते हैं किसके 84 जन्म होंगे ये भी नहीं समझ सकते। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं, 84 जन्म तुम लेते हो, पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो। सतयुगी देवताएं ही पहले होते हैं। जब वह आत्माएं यहाँ पाठ बजाती हैं, तो बाकी सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं यह भी तुम जानते हो। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती हैं, तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया तो यही है, पाठ यहाँ बजाते हैं। नई दुनिया में सुख का पाठ, पुरानी दुनिया में दुख का पाठ बजाना पड़ता है। सुख और दुख का यह खेल है, वह है राम राज्य। राम राज्य में क्या है, सुख है, और रावण राज्य में क्या है, दुख है। तो दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जो चक्र के अंदर है वो जान नहीं सकता कि चक्र कैसे फिरता है, जो चक्र से बाहर है वही जानता है, तो वो तो सिर्फ बाबा ही हैं। इसलिए बाबा हमें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्र में है नहीं, इसीलिए किसी को पता नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुमको सुनाता हूँ। फिर यह प्राय लोप हो जाता है, सतयुग में यह रहता नहीं। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है, गीता में भी राजयोग नाम आता है। बाप तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं, बाकी रचना से वर्षा मिल न सके, देहधारी से क्या मिलेगा। वर्षा मिलता ही है रचता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है। कैसे हर एक मनुष्य क्रिएटर, बच्चों को रचते हैं। वह है हद के ब्रह्मा, यह है बेहद के ब्रह्मा। अपनी फैमिली करी, अपने बच्चे पैदा किए, तो हद के ब्रह्मा हो गए ना, और बाबा कहते ये तो है बेहद के ब्रह्मा। वह है निराकार आत्माओं के पिता, वह लौकिक पिता, यह फिर है प्रजापिता। तो प्रजापिता कब होना चाहिए, क्या सतयुग में, नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि सतयुग कब होता है, उन्होंने तो सतयुग कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं। बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना, हम कैसे उतरते हैं। देखो बाबा ने सारा हिसाब किताब हमारे सामने खोल कर रख दिया।
तो समझना है इसको, समझ के औरों को समझाना है। तो बाबा कहते हैं कि 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना, हम कैसे उतरते हैं। पहले पहले फाउंडेशन में हैं देवी देवता, उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी बौद्धि। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है, बाप के सिवाय तो कोई सिखला न सके। तुमको कहेंगे यह चित्र आदि कैसे बनाए, किसने सिखाया, बोलो बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया, फिर हम यहाँ बनाते हैं। बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया, साक्षात्कार कराया, ज्ञान दिया, हमने बनाया, फिर उन्होंने चेक किया, फिर जहाँ जरूरी था वहाँ चेंज किया, फिर देखो एक्यूरेट चित्र बने हैं अभी। तो बाबा कहते हैं फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर करेक्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। तो बनवाया बाबा ने, लेकिन करेक्ट बाबा करते हैं, अप्रूव बाबा ने किया, पास बाबा ने किया, तब फिर जारी हुए, तब प्रदर्शनी लगती है, तब सबको दिखाया जाता है। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते कि क्यों कहा जाता है। यह वैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गांवड़े का छोरा सांवरा बना, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। पहले पावन थे फिर पतित बने। तो बाबा कहते हैं यही पहले आते हैं तत्त्वम, वो आते हैं और फिर हम आते हैं, हम भी वैसे ही आते हैं, हम भी क्या हैं, श्याम सुंदर हैं ना, हाँ सभी देखो हम सब क्या है, पहले पावन और फिर धीरे धीरे पतित बने और फिर पावन बन रहे हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते हैं यह भी किसको पता नहीं है। भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं, भारत नाम भूल गए और देखो हिंदुस्तान कहने लग गए और इसीलिए हिंदू धर्म कहने लग गए, देखो फिर से भारत नाम आ गया। तो बाबा कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्रायः लोप हो गया है, मैं आता हूँ फिर से स्थापना करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है, नए नए पत्ते हैं तो थोड़े अच्छे लगते हैं ना, और फिर देखो क्या हाल होता है उन पत्तों का भी, तो नाम होता है और फिर कैसे तमो प्रधान होते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि नए नए पत्ते मठपंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है, फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत। तो आत्मा अपने को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती, अपने को भी गाली देते हैं, बाप को और देवताओं को भी गाली देते रहते हैं। हाँ खुद को क्या गाली दी, खुद को बोला ना नीच पापी खल कामी, बाप को बोल दिया सर्वव्यापी, देवताओं को भी बोल दिया माखन चुराया, गोपियों को भगाया, वाम मार्ग में गए। हाँ तो ये सब क्यों किया, बेसमझे है ना। तो बाबा कहते हैं तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं तब मैं आता हूँ, पतित दुनिया में ही आना पड़े। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो, हाँ मूर्छित से सुरजीत करते हैं, मनुष्य से देवता बनाना। बाबा कहते हैं सब दुखों से दूर कर देते हो सो भी आधा कल्प के लिए, कब कर पाएंगे, जब बाबा का मैसेज देंगे तब ना। तो गायन भी है ना वंदे मातरम, कौन सी माताएं जिनकी वंदना करते हैं, कौन सी माताएं, तुम माताएं हो सारी सृष्टि को बहिष्ट बनाते हो, ब्रह्मा कुमारियां माताएं अधर कुमारियां है ना, बाबा कहते हैं तुम सारी सृष्टि को बहिष्ट बनाती हो, जन्नत बनाती हो, स्वर्ग बनाती हो, कैसे बनाते हैं, सबको ज्ञान देते समझाते सेवा करते। तो बाबा कहते हैं भल पुरुष भी हैं लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। हाँ नारियों की स्थिति बाबा आए उस समय कैसी थी, बाबा ने देखो आके ज्ञान का कलश माताओं पर रखा।
तो ब्रह्मा कुमारों की तुलना में ब्रह्मा कुमारियां ज्यादा हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ये संस्था का नाम रखा, माताओं को आगे किया। उसके पीछे भी राज है ना कि माताएं कुमारियां बोलेंगी तो लोग सुनेंगे। और देखो अभी तो बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बल पुरुष भी हैं लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाप आकर तुमको इतनी महिमा लायक बनाते हैं। बाबा हमें पहले सुनाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं और फिर जब हम उन शिक्षाओं पर अमल करते हैं, औरों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तब तो सब ब्रह्मा कुमारी इसकी महिमा करते हैं ना अभी। और फिर देखो देवियों की कितनी महिमा है। तो देवी देवताओं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां सबको बाबा ही महिमा के लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग ऑल नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। दूसरा, सभी को जीवदान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। वरदान, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते, वाहवा के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म करते, वाहवा के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। बाप दादा कहते इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते, वाहवा के गीत मन से गाते रहो। इतना अच्छा समय बाबा हमें मिले, श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वाहवा के गीत गाना है। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, या वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाले बाबा, हमारी भी वाहवा और बाबा की भी वाहवा। तो सदा वाहवा के गीत गाओ, कभी गलती से भी दुख का नजारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। हाय हाय नहीं करना है, हाँ वाहवा करना है। वाह ड्रामा वाह, कोई सीन भी है, बाबा कहते कोई कैसा भी सीन हो बोलो वाह ड्रामा वाह, और वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, जिसमें ये सीन है और उस सीन को हम देख सकें, समझ सकें, उससे प्रभावित ना हो, ऐसा सिखाने वाले बाबा की भी वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था ना कि भगवान से मिलेंगे, भगवान से पढ़ेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, भगवान के साथ का अनुभव कर सकेंगे, उनके साथ घर जाएंगे, सब कुछ जानेंगे। तो जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। हर कोई नशे में है तो हमें अपने भाग्य के नशे में रहना है। स्लोगन, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। हम शक्तिशाली हैं, स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कभी भी हिला नहीं सकती है। तो अचल अडोल स्थिति के लिए शक्तिशाली मन बुद्धि चाहिए। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट, कौन है हम, निर्विकारी दिव्य गुणधारी, बनना है, हैं निर्विकारी दिव्य गुणधारी। दूसरा, ऑलराउंड पार्टधारी। तीसरा, साक्षी। चौथा, भाग्यवान आत्मा। और पांचवा, अचल अडोल। कौन है, निर्विकारी दिव्य गुणधारी, ऑलराउंड पार्टधारी, साक्षी, अचल अडोल, भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति।
संसार छोड़ पूरा